शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जाकर मेरे आदेश का पालन करो। जो आ गया देवराज, कब करना है ब्रजमंडल को जलमग्न? मेघराज, कल ब्रजमंडल के आकाश में सूर्य देव नहीं अपितु केवल काले मेघ दिखने चाहिए। केवल और केवल जल और वज्र की वर्षा होनी चाहिए ब्रजमंडल में। ऐसा ही होगा देवराज, क्योंकि मैं आपकी आज्ञा से बंधा हुआ हूं। अब बचा सकते हो तो बचा लो अपने ब्रजवासियों को। देवाधिपति देवराज इंद्र के क्रोध से। ऋषिगण, इंद्रदेव के आदेश पर मेघराज समस्त मेघों के साथ ब्रजमंडल को जलमग्न करने को तत्पर हो चुके थे। प्रभु, मेघराज तो संसार के नियमों से बधे थे, वो ऐसा अधर्म करने को कैसे तैयार हो गए? आखिर इसके पीछे का भेद क्या है? ऋषिवर, मेघराज प्रकृति के नियमों के अधीन थे, पर साथ ही वो इंद्रदेव के ऋणी भी थे। क्योंकि मेघराज आरंभ में असुरी थे, वे असुरी कार्य किया करते थे। वे अपने मन और इच्छा से अपनी वर्षा द्वारा वो संसार का अहित किया करते थे। फिर इंद्रदेव ने उन्हें असुरी शक्तियों से मुक्त किया और उन्हें प्रकृति और ऋतु चक्र के अनुसार वर्षा करने के लिए बाध्य किया। अधर्म से मुक्त होने के पश्चात मेघराज इंद्रदेव के ऋणी हो चुके थे और आज इंद्रदेव की आज्ञा मानकर वो अपने उसी ऋण को चुका रहे हैं। फिर तो प्रभु ये लीला देखने और सुनने में बहुत रोचक होगी। ऋषिवर, इंद्रदेव अपने अहंकार में ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि श्री कृष्ण के रहते ब्रजमंडल में वो कोई अनर्थ नहीं कर सकते थे। कान्हा, केलों के पत्तों के रस से ऐसा पक्का रंग बनाएंगे कि उसे इस होली पर लगाकर वो अगली होली तक भी नहीं छूटेगा। यह अच्छा विचार है सखा। वैसे भी गोपियों को अपने रूप का बड़ा अभिमान रहता है ना, वे हमारे कान्हा को सांवला कहती है, उनके लिए यही उचित दंड होगा। नहीं सखाओ, होली उमंग और उल्लास का उत्सव है, इसे हमें किसी को दंड देने का साधन नहीं बनाना चाहिए। तब तो कहा तुमने कान्हा, रंग ऐसे होने चाहिए जिससे किसी का आयत ना हो। हाँ दाऊ, क्योंकि उत्सव वही होता है जिसमें प्रसन्नता का आदान प्रदान होता है। इसलिए इस बार हम प्रकृति फूलों से रंग बनाएंगे, क्योंकि फूलों में औषधीय गुण होते हैं। ऐसे रंगों के प्रयोग से लोगों के रोग शोक सब दूर हो जाएंगे। सखाओ, इस बार होली का दहन के लिए हमें यही उपलाग्नि की स्थापना करनी होगी। लाओ सखा, उपला मुझे दो। दाओ, आप अग्नि का प्रबंध कीजिए। कान्हा, तुम हर बार मुझे ही कठिन कार्य क्यों देते हो? क्योंकि सरल कार्य सब कर सकते हैं, पर कठिन कार्य केवल आप ही कर सकते हैं। दाओ, ये भी सत्य है। ठीक है कान्हा, मैं अभी अग्नि का प्रबंध करके आता हूँ। सखा, चल लो। अनेन अंचनेन होलिका दृष्टाय देवता प्रियंतम नमः। अनेन अंचनेन होलिकाय दृष्टाय देवताय प्रीतमय नमः।
ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि वर्षा होने वाली है। ये कैसे संभव है? आइए शोला, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेघ अपना मार्ग भूल गए हैं या ऋतुओं का चक्र परिवर्तित हो गया है। काना, ये अचानक से ऋतु परिवर्तन कैसे होने लगा? काना, अभी तो वर्षा का भी समय नहीं है, फिर ये आकाश में काले काले मेघ कैसे? काना, कहीं मेघराज हम पर कुपित तो नहीं? सखा, जो मेघ गरजते हैं वो बरसते नहीं, इसलिए निश्चिंत रहो। लो काना, अग्नि की स्थापना करो। तो, आपकी बात तो सत्य है, पर मेघराज के भाव ठीक नहीं लग रहे, इसलिए हम सबको अग्नि की स्थापना करने के पश्चात अति शीघ्र घर पहुंचना होगा। काना, यदि कोई अनुचित करे तो उसके मन के भाव को मेरी मुद्गल बदलने में सक्षम है, इसलिए तुम निश्चित रहकर उपलाग्नि की स्थापना करो। ताऊ, लगता है ये मेघ केवल गरजने नहीं, अभी तो बहुत बड़ा संकट बनने आए हैं। नंजी, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि गंगूर वर्षा होने वाली है, जैसे मेघ हम ब्रिजवासियों पर क्रोधित हैं। पर मेघ तो संभाव से जल बरसाते हैं, उन्हें किस बात का क्रोध? तुमने अभी मेरा क्रोध देखा ही कहा है नंद, तुम्हें तो तुम्हारे पुत्र कान्हा ने बचा लिया, किंतु इन ब्रिजवासियों को अब कौन बचाएगा, क्योंकि अब इन सब ब्रिजवासियों की जल समाधि बनेगी, वो भी एक साथ। मेरे मेघों की विद्युत तदीक से जलकर भस्म हो जाएगा ये ब्रिज मंडल। मेघराज, दिखाओ इन ब्रिजवासियों को अपनी शक्ति, जल से पूर्व विद्युत तड़ीक की वर्षा करो इन ब्रिजवासियों पर। शीघ्र ही बुझ जाएगी काना। वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा सका कि ऐसे समय में उपला अग्नि की स्थापना कैसे होगी। काना, पर हमें कोई ना कोई मार्ग तो ढूंढना ही होगा। काना, लाओ ये अग्नि मुझे दो, क्योंकि जो कार्य कोई नहीं कर सकता वो बलराम कर सकता है। सब लोग
उस बड़े वृक्ष के नीचे चलो। मेरे मेघों की विद्युत तड़ीक से कोई नहीं पत सकता, आप भी नहीं। जिस प्रकार आपने मुझे इंद्रलोक से निष्कासित किया है, उसी प्रकार मैं आपको भी आपके ब्रजमंडल से निष्कासित कर दूंगा। दुनिया की नजरों से परे तुलसी के बनने सारथी आ रहे हैं तुलसी धाम के लड्डू गोपाल, सिर्फ शिमालू टीवी पर।